जैसे मैं प्रेस करता हूँ काम करेगा अंदर बंद हो जाएगा। आपका देखो ये कीबोर्ड और माउस दोनों किस प्रकृति के होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। हमेशा क्या रहेंगे? इनपुट। जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो कंप्यूटर के अंदर काम होता है, जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो कंप्यूटर के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। अगर मैंने जो भी काम किया इसके अंदर और उसका मेरे को क्या मिल गया रिजल्ट, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा आपका आउटपुट। वो क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी डाटा दिया, यहाँ से डाटा मैंने दिया और जैसे मैं कंट्रोल की करता हूँ तो ये क्या रहेगा आपका सॉफ्ट कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी जैसे बार आती है यानी कि प्रिंट जैसे बार आती है तो ये किस रूप में हो जाती है? हार्ड में, यानी कि आउटपुट डिवाइस की होती है। आउटपुट डिवाइस में हो जाती है यानी कि आपको क्या मिल जाता है? आउटपुट रिजल्ट मिल जाता है। ये रहेगी बात में आपकी हार्ड कॉपी। अब क्या है? सॉफ्ट कॉपी। और आगे जाएगी तो क्या हो जाएगी? हार्ड कॉपी। ये आपको ध्यान होना चाहिए, बस ध्यान पर ध्यान में रखना। उसके बाद आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड सभी ने पढ़ा होगा कीबोर्ड, क्योंकि आज शुरू करने वाले तो पूरा पूरा कीबोर्ड आप पढ़ा देता हूँ। कीबोर्ड किस प्रकार का होगा? इसके अंदर कीबोर्ड कहाँ से आता है? अब मान लीजिए मेरे पास कीबोर्ड एक ही खोल दी है और इसके अंदर कीबोर्ड ला के मेरे को पढ़ना है, जान जाओ और जो ये कीबोर्ड है वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कभी जिंदगी में देखे तीन प्रकार के कीबोर्ड होते हैं? जाने देखे तीन प्रकार के होते हैं। इसमें देखे तीन प्रकार के होते हैं। नहीं पढ़ा फर्स्ट बार जो इस क्लास के अंदर कीबोर्ड को पढ़ा रहा हूँ। और कीबोर्ड को पहली बार ऐसे कितने स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ एक प्रकार का पढ़ा है, किस प्रकार का होता है? डिजाइन अलग हो सकती है, डिजाइन अलग हो सकती है, डिजाइन को नहीं लेंगे। डिजाइन को आपको सिर्फ ध्यान में होना चाहिए कीबोर्ड की कितने प्रकार। सर दो प्रकार, एक तार वाला है, बिना तार वाला। तार वाला और बिना तार वाला दो तो ये हो गए। और किसका किस तीन प्रकार का होता है कीबोर्ड? आपको हमेशा ध्यान रखना तीन प्रकार की एक तो इस प्रकार का कीबोर्ड होगा, ठीक है, ये रहेगा आपका यूएसबी। और उसके बाद एक कीबोर्ड आता है आपका कीबोर्ड। दोनों सेम है, कीबोर्ड दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसके अंदर फर्क क्या केबल का? ये वाला केबल है, एक होती है यूएसबी और एक होती है ये डीएसबी। तो आप दोनों में से कोई भी कीबोर्ड खरीदो तो आपको सबसे पहले कितना कौन सा है? यूएसबी। यूएसबी को तो खराब नहीं होता और इसको खराब होने की संभावना पूरी रहती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पिन आपको लिखे देंगे, अपने से छोटा होगा पिन लिखे देंगे। ये क्या करते हैं? जैसे हमने प्रेस किया इसको दबाया तो टूट जाती है, तो क्या करती है? टूट जाती है। इसके अंदर टूटने की संभावना ये है। और तीसरा कौन से प्रकार का होता है बता सकता है? जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा नहीं बिल्कुल कीबोर्ड, तो बता सकता है किस प्रकार का भी कीबोर्ड होता है? तूने पढ़ा होता है यानी बिना तार। कौन से वाला? बिना तार। वो कैसा होता है? नाम सुना? उसके साथ एक छोटा सा कैंडल लेता पीछे, कैंडल नाम सुना हो? इतना सा आता है कीबोर्ड जो खरीदने था वायरलेस, ठीक है। इसका नाम यूएसबी कीबोर्ड, इसका नाम पीएसबी कीबोर्ड, इसका नाम है वायरलेस कीबोर्ड। जो ये चलता है और जैसे आप खरीदने जाओ उसके साथ एक केबल भी होगा, वो डायरेक्ट बिना केबल का आएगा, माउस और कीबोर्ड दोनों। और वो कनेक्ट कैसे होता है? आपका एक छोटा सा उसके साथ कैंडा दिया जाता है, छोटा सा कैंडा होता है, वो क्या करता है? जैसे हमने सीपीयू के अंदर लगाया ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कनेक्टेड करने की, आपको कनेक्टेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके माउस। माउस कितने प्रकार के होते हैं? सेम ही ऐसे ही होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सेम नाम है, सिर्फ फर्क क्या नाम? एक तो माउस यूएसबी माउस, यूएसबी पीएसबी और वायरलेस माउस, सर फर्क क्या है? माउस का इसके बाद में माउस नाम दे दो और इसके बाद कीबोर्ड नाम दे दो। आपके तीन प्रकार के
उसके बाद आता है सबसे पहले कीबोर्ड के अंदर बटन कितने, कीबोर्ड के अंदर बटन कितने इनके बता सकते सभी, गिनने जाके टाइम लगेगा, ऐसे गिन लोगे अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट कितने होते हैं, एबीसीडी कितनी होती है, 26 और ये 12 कितने हो गए, ऐसे गिनने जाके टाइम लगेगा, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कीबोर्ड के अंदर बटन होते हैं 104 से लगाकर 116 के बीच, 104 से लगाकर 116 के बीच में हमेशा कीबोर्ड के बटन होते हैं। आधुनिक जमाने के कीबोर्ड आ चुके हैं उसके अंदर 116 आते हैं, पुराने जमाने के कीबोर्ड उसके अंदर 104 आते हैं, और बीच वाले उसके अंदर 108 आते हैं, मतलब अलग अलग कीबोर्ड के अंदर बटन आते हैं। अब तो मतलब जितने भी जैसे भी आपने देखा उसके लिए पहले बीच करें स्टूडियो के अंदर, अब जो नए हैं उनको तो पता नहीं होगा स्टूडियो के अंदर, क्योंकि उनके पास अभी ये कीबोर्ड लगे हुए जो मतलब जिनको नॉलेज स्टूडियो का उनके पास कीबोर्ड आता थोड़ा हेवी क्वालिटी का था, वो कीबोर्ड आता है 6000, कितने हज़ार का आता है 6000 से लगाकर 25000 के बीच में आता, उस पर उसके अंदर क्या रहता है आप ट्रैक करो, ट्रैक नाम सुना, ट्रैक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, गीत रिकॉर्ड करते हैं, उस पर ट्रैक बनता है, तो उसके अंदर यहाँ पर एक पूरी लाइन लगी होती है स्टूडियो के लिए अलग से पर्सनल, जिसके ऊपर बटन रहता है वॉल्यूम कम ज़्यादा करना और वो आवाज़ निकालते जैसे रूपा मिला लो गाय की भैंस की, उनके अंदर भी ऐसा ऑप्शन भी होता है, तो वो भी सब मिलते हैं उसमें। लेकिन अब जो आप पुराने जमाने में किस प्रकार जिसके अंदर सिंक क्या रहता है, ये रहता है सिंपल जो आपको IDC के लिए काम आता है, और आप स्टूडियो के अंदर आप स्टूडियो बनाते हो स्टूडियो के अंदर लेके जाते हो तो उसके लिए जो आपका कीबोर्ड रहता है वो बहुत हाई क्वालिटी रहता है, जिनके पास नहीं होता वो अलग बात है, आप जाते वहाँ पर हैं हाई क्वालिटी का ऐसा ही है तो मैं भी बड़ा है। उसके अंदर बहुत सारे बटन, यानी कि 116 के प्लस होंगे, पता है बहुत सारे बटन होंगे, क्योंकि उसके अंदर एक पट्टी लगी होती हल्की सी, उसके अंदर बटन पतले पतले दिए होते, पतले दिए होते, साइड में भी बटन दिए होते, इधर भी बटन दिए होते और इधर भी बटन दिए होते, यानी कि कम से कम वो 150 के प्लस बटन चले जाते हैं, लेकिन वो स्टूडियो के अंदर ही काम आता है, बाकी काम कभी करके नहीं आते। यहाँ पर अगर क्लास में काम करोगे तो सिर्फ 104 से लगा 116 के बीच वाले कोड करेगी, बाकी कोड नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं आप 104 से लगा 116 में कह रहते हैं कीबोर्ड के अंदर बटन याद रहेगा, आप जाना इसलिए निकाल लगाना सीखना, आप याद कब तक रहेगा जब तक आप इसको ध्यान क्या करोगे, आप गिनती करोगे पहली बात कितने बटन ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पर निकलेगा 108 या 106 या 112 ये लिखेंगे कहीं यार 104 को लाइन में ज़्यादा अच्छे समझते हैं ना, तो आप ध्यान देना 104 से लगा कर क्या बोल रहा हूँ 104 से लगा कर 116 के बीच में, कभी भी कंफ्यूज मत होना कीबोर्ड के अंदर बटन एक्स्ट्रा।